जो मीटर था वही लाके लगा देने, तो हम ईटा लेके फोड़ देंगे मीटर। समय कम है, खर्च ज्यादा बढ़ा दिया है सरकार। मीटर हमको नहीं चाहिए, हम कहाँ से गरीब आदमी पैसा देंगे, मास हम कहाँ से देंगे पैसा, दस दिन में रिचार्ज खत्म हो जाता है। जाते हैं रिचार्ज करा कहते हैं, फिर दसों दिन होता है, फिर वही रिचार्ज का खबर आता है मोबाइल में। भारत का हर क्षेत्र डिजिटल क्रांति के प्रभाव से अग्रसर हो रहा है। निश्चित तौर पर आधुनिकता के इस दौर में विकास के लिए डिजिटल क्रांति को अपनाना ही पड़ेगा। बिजली विभाग भी डिजिटल क्रांति के इस दौर में कदम बढ़ाते हुए अब हर घर में डिजिटल मीटर की जगह स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करवा रहा है। कई बड़े इलाकों में स्मार्ट मीटर इंस्टॉल भी हो चुके हैं, मगर इसको लेकर ग्रामीण इलाकों में कई भ्रम के साथ बवाल मचा हुआ है। लोग कहते हैं स्मार्ट मीटर पहले से ज्यादा महंगा है, इसलिए हर दिन उपभोक्ताओं को इसके बिजली बिल के कारण करंट लग रहा है। कुछ इलाकों में लोगों के साथ आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसी स्थिति भी है, यानी पहले से अधिक बिल आने के कारण अब लोग इसे लेकर सहज नहीं हो पा रहे हैं। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि बिजली विभाग उन्हें उनका पुराना बिजली मीटर वापस कर दे। आगे की बात बताएंगे, सबसे पहले आप बयानों को सुनिए। बहुत परेशानी है, पहले हम लोग का मीटर ठीक था, अभी का मीटर सही नहीं है। 12 दिन में जो है 400 रुपया रिचार्ज खत्म हो जाता है। हम लोग का 250 रुपया हर महीना आता था पहले, वो ठीक था, लेकिन कभी कभी ऐसा मन करता है कि मीटर को ईंटा लेकर के हम फोड़ दें। हाँ, ये चलने वाला नहीं, हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ से हम लोग पूरा करेंगे। डर से हम एक वो पंखा चलाते हैं, गर्म में मरते हैं बच्चा लेकर के, कहाँ से क्या करेंगे। कमाई कम है, खर्च ज़्यादा बढ़ा दिया है सरकार, ये सब चलने वाला नहीं है। ना तो मेरा पहले जो मीटर था वही लाके लगा देने, तो हम ईंटा लेके फोड़ देंगे मीटर। क्या करेंगे? हाँ, कहाँ से हम लोग पूरा करेंगे, मजदूर आदमी 300-400 रुपया रोज कमाने वाला, अब 12 दिन में जो है पैसा जो है 400 रुपया खत्म हो रहा है। हाँ, घर कभी मिस्त्री को फोन करते हैं, सीरीज होता है, मिस्त्री जो है ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल देता, उठाता नहीं है। रात भर हम लोग गर्म से मरते हैं, मिस्त्री को सुनवाई नहीं करता, जब भी बुलाते हैं तो पैसे का डिमांड करता है। अच्छा, ऐसे जो मीटर लगा हुआ था उसमें कितना बिल आता? उसमें 200-250 रुपया आता था हर महीना। अभी जो 400 रुपया 12 दिन में खत्म हो रहा, हम लोग क्या करेंगे? मांग क्या करेंगे? मांग करेंगे, हमारा पहले वाला ठीक था सिस्टम, ये मीटर नहीं चाहिए हमको, ये मीटर खोल के वो ले जाए। दिक्कत है, ये मीटर हमको नहीं चाहिए, हम कहाँ से गरीब आदमी पैसा देंगे मास। हम ये मीटर नहीं चाहिए, हमको जो पहले था वही चाहिए। हम कहाँ से देंगे पैसा, दस दिन में रिचार्ज खत्म हो जाता है। कितना पैसा रिचार्ज करा रहे अभी? 300 का 500 कैसे करवाते, दसों दिन नहीं होता, खत्म हो जाता है। ये मीटर हमको नहीं चाहिए, हम ऐसे रहेंगे नरिया मुँह बढ़िया है। क्या क्या जलाते हैं? क्या तीन ठो खाली बल्ब जलाते, कुछ नहीं, टीवी है न कुछ नहीं है, बल्ब जलाते हैं, एक ठो पंखा है, गर्मी में रात में चलाते हैं, दिन में नहीं है चलाते हैं। तो क्या रिचार्ज देखते हैं कितना का रिचार्ज हुआ नहीं हुआ, जब कराते हैं जिस समय तो कराते हैं, बोलता है कि रिचार्ज खत्म हो गया, कराइए रिचार्ज। हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, मूर्ख आदमी है, जाते हैं रिचार्ज करा कहते हैं, फिर दसों दिन होता है, फिर वही रिचार्ज का खबर आता है मोबाइल में, नहीं तो लेन काट देता है। क्या काम वगैरह क्या होता है? काम वही होता है, वही मजदूरी करते हैं, चौका बर्तन का काम तो करते कहां हैं। से लाइएगा? हाँ, कहाँ से लाएंगे उतना पैसा, रिचार्ज करवाएंगे तो वही नहीं बढ़िया था पहले वाला। पहले वाला में कितना बिल आता था? 300 आता था, 200 आता था। अभी तो नुकसान हो रहा है। हाँ, अभी तो नुकसान हो रहा है, कहाँ से देंगे पैसा। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं पहले वाला जो तिथि था वही लगाना चाहते हैं, जो पहले था, जो पहले था। क्या नाम आपका? बिजली विभाग इस पर सफाई देते हुए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, पुराने डिजिटल मीटर और वर्तमान स्मार्ट मीटर के बिल में कोई भी अंतर नहीं है, लोग इसे लेकर कुछ भ्रम की स्थिति में हैं, ये लोगों के लिए फायदेमंद है। बिजली विभाग का ये भी कहना है कि इच्छा अनुसार इसमें बिजली की खपत कर सकते हैं, अगर कोई तकनीकी दिक्कत है तो उसे दूर करने के लिए विभाग तत्पर भी है। रिचार्ज में परेशानी हो रही है, 15 दिन में ही 500 रुपये का रिचार्ज कराया जा रहा है। देखिए, स्मार्ट मीटर और जो पहले लगा हुआ था नॉर्मल मीटर, डिजिटल मीटर, दोनों में कोई सिमिलैरिटी, मतलब कोई भी अंतर नहीं है। नॉर्मल मीटर जो था आपको बाद में
पेमेंट करना पड़ता था बिल बनने के बाद, और जो स्मार्ट मीटर लगा है उसको आपको पहले प्रीपेड मीटर जिसको कहते हैं आप पहले रिचार्ज कीजिए इसके बाद यूज़ कीजिए, और दोनों का यूनिट का जो रेट है वो दोनों का सेम है, चाहे वो नॉर्मल मीटर हो या स्मार्ट मीटर हो। हाँ, जिसका जिसका मीटर एक्चुअल रीडिंग पे, जो पहले जो नॉर्मल मीटर था जिसका एक्चुअल मीटर रीडिंग पे जिसका बिल बन रहा था, उनका कोई शिकायत नहीं होगा। शिकायत उनका होगा जिनका मीटर ख़राब हो गया होगा, जिनका फिक्स बिल आ रहा था, एमडी जो एवरेज पे जो फिक्स बिल है हो गया कि मेरा 300-400 रुपये महीने का फिक्स हो गया, उन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा है कि उनका बिल ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि अब तो एक्चुअल कंजम्पशन में बिलिंग हो रहा है। और एक चीज़ और है इसमें, जैसे आपका जो पहले रीडिंग करने जाता था तो उसमें एक आप रीडिंग डालते हैं और दूसरा कॉलम होता है आपका एमडी का मैक्सिमम डिमांड, जिसमें मैक्सिमम डिमांड रीडर नहीं डालता था, जिसमें ये है कि अगर आप 1 किलोवाट का लोड लिए हुए हैं, अगर 1 किलोवाट से आप ज़्यादा यूज कीजिएगा तो उसमें फ़ाइन होता है। तो बहुत सारे लोग जैसे टाउन में है, मैक्सिमम लोगों का 1 किलोवाट से ऊपर का कंजम्पशन है, क्योंकि आप एक एचपी मोटर लीजिएगा तो 700-750 वाट का ऐसे ही हो जाएगा, तो आपका 1 किलोवाट से ज़्यादा हो जाता है। तो जिसका भी 1 किलोवाट से ज़्यादा जाएगा स्मार्ट मीटर में वो फाइन मार देता है, फाइन करता है। तो वही चीज़ है कि आपका लोड अगर बढ़ा हुआ है तो आप उसको लोड यहाँ पे आकर बढ़वा लीजिए, जिससे आपका फ़ाइन नहीं लगेगा, बाकी कोई अंतर नहीं। और इसमें बहुत फ़ायदे हैं, इन द सेंस कि फ़ायदा ये है कि आपका बिल जो रीडर गड़बड़ कर देता था, 1-2 लाख आप जो सुनते थे, 1-2 करोड़ का जो बिल बन जाता है रीडर की गलती की वजह से, वो नहीं होगा। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपका घर बंद है, आप कहीं गए हुए हैं 3-4 महीने के लिए, तो जो एवरेज बिल बनाते थे वो एवरेज बिल नहीं बनेगा। इन द सेंस अगर लाइन आपका रिचार्ज रहा, लाइन कट गया, अगर आप 4 महीने बाद घर आएँ वापस, आप रिचार्ज कीजिए, फिर से आपका लाइन हो जाएगा, चलने लगेगा। आपका कोई ऐसा नहीं कोई एलके पे बिल दूर लो या एवरेज बिल बन रहा है जिसको आप सुधार करने के लिए ऑफिस आ रहे हैं, ये सब चीज़ नहीं है। आप स्मार्ट मीटर में ये है कि आपका ऑनलाइन पेमेंट करते तो 3% का रिबेट मिलता है, जबकि नॉर्मल मीटर में आपको 2.5% का रिबेट मिलता है। और एक चीज़ और मैं जानकारी देना चाहूँगा, कुछ मैसेज आते हैं जिसमें लिखा रहता है कि आपका लाइन 9:30 बजे कट जाएगा, 9:30 बजे रात्रि में कट जाएगा। आप तो निश्चित तौर पर बिजली विभाग ने ये साफ कर दिया है कि पहले के डिजिटल बिजली मीटर और अभी के स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर के बिजली दर में कोई अंतर नहीं है, मगर खासकर सुदूर इलाके में लोग डिजिटल फ्रेंडली नहीं हो पाने के कारण जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, उसे लेकर भी विभाग को गंभीरता से इसे दूर करने की मांग कर रहे हैं, ताकि देश के कोने कोने में खुशी के साथ लोगों के घर जगमगा सके। अब ऐसे में देखना होगा कि बिजली विभाग जो बातें बता रहा है उस पर लोग कितना भरोसा कर पाते हैं, या फिर यूं कहें कि लोगों के बीच में जो भ्रम पैदा हुआ है वो कितने दिनों में विभाग दूर कर पाता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।